11 मई को हमें एक हमने केस रजिस्टर किया था जिसमें हमारे पास लगभग 28 कंप्लेनेंट थे जिन्होंने बताया कि उनके डिफरेंट डिफरेंट एटीएम्स से काफ़ी मात्रा में पैसे विड्रॉ हुए हैं। तो क्योंकि कंप्लेंट के नंबर इतना ज़्यादा था, काफ़ी सारे लोग लगातार पुलिस स्टेशन में आए जा रहे थे कि हमारे भी काफ़ी पैसे निकल गए हैं, और उसकी कोई इस तरह की भी चीज़ें नहीं थी कि किसी ने फ़ोन करके ओटीपी लिया हो। तो ये उससे हम जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई उनकी कंप्लेंट में तो पता चला कि यहाँ तिलक नगर के 2 एटीएम थे, मुकराम गार्डन में और एक दूसरा एटीएम था जहाँ से ये सारे पैसे विड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में यही कोशिश की गई क्योंकि आजकल सारे एटीएम्स पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज ली गई, उसमें हमें सस्पेक्ट के फोटोग्राफ मिल गए थे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, आपने जब प्रिंट में लिखा था तो ये चीज़ भी कवर की थी कि फुटेज हमें मिल गई है, तो उसी फुटेज पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है तो ज़रूरी था कि हो सकता है पहले भी जो लोग करके अरेस्ट हो चुके हैं वो लोग दोबारा इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो डोजेज वगैरह चेक किए गए। उसी दौरान हमें एक गैंग का पता चला, उनके डोजेज निकाले गए, फोटोग्राफ कंपेयर किए गए, तो धर्मेंद्र सैनी नाम के एक आदमी को आइडेंटिफाई किया गया। धर्मेंद्र